हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे चैनल पर। अब हमारे पास बीएससीसी का पेपर आ चुका है। अब इस वीडियो में हम जो हमारे क्वेश्चन आए थे उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि जो सभी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको समझ में आ सके। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन था, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासन था? तो इसका सही उत्तर है परमार वंश का शासन था, यानी 91 में सही उत्तर है बी ऑप्शन, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था क्षेत्रपाल, राजस्थान की संस्कृति एक महत्वपूर्ण पहलू जो पूजा जाता है, यानी क्षेत्रपाल देवता होते हैं जो कि इसमें आप देखिए ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, यानी ये ग्राम के देवता होते हैं क्षेत्रपाल, जो कि हम क्षेत्र बेरूप भी कहते हैं, बेरूप पूजने जाते हैं जैसा कि हम बात जानते हैं। तो ये हमारे जैसा कि ग्राम के ये अधिकारी यानी ग्राम के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, ये ग्राम के अधिकारी सॉरी ग्राम के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिसको हम भेरू के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? जैसा कि आपको पता है तत्व वाणी यानी तारों की सहायता से बजने वाले वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसमें कमाईचा, रावणता, जंतर तीनों तत्व वाद्य है, और जैसा कि अलगोचा ये कि फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र है, इसलिए ये सुषिर वाद्य यंत्र है यानी तत्व वाद्य का उदाहरण नहीं है। तो 53 में सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान के विद्यालय और व्यापक शिक्षा योजना के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? जो कि राजस्थान में विद्यालय व्यापक शिक्षा योजना के निर्माण और मूल्यांकन करता है। तो RSCERT उदयपुर का जो संस्थान है वो राजस्थान में शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन है, जो कि शैक्षिक योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का कार्य करता है। तो चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं हमारे, जैसे कि हमारे किसी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए है हमारे चैनल पर। 56वां क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो ये उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह का काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। तो 56वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 57वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो ये सभी चार सॉरी पांच वेधशालाएं थी जयपुर। इसमें सही उत्तर है हमारा बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ये पांच स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिनमें सबसे पहले दिल्ली और उसके बाद जयपुर वेधशाला का निर्माण कराया था। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का शामिल में पहुंचा है, तो इसलिए 35 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10, तो यहाँ पर घुमाकर पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 35 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी? सबको पता है हमारा जो नसीराबाद में छावनी थी, तो नसीराबाद से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है, यानी कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें आप सभी देखिए माही और पार्वती भी नहीं है, इसमें काली सिंध, गंभीरी ये नदियां भी नहीं हैं, और इसमें इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, देखिए इसमें लूनी दे रखा है जो कि लूनी भी नहीं है, इसमें काली सिंध और गंभीरी नदी, ये दोनों नदियां जो कि आगे जाकर ये सहायक नदियां हैं चंबल की, और इन नदियों से आगे जाकर जो कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फल्कुबाई का संबंध किससे है? ये मैंने आपको बता दिया था और इसको लेकर हमारे चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं। तो फल्कुबाई चरी नृत्यांगना से नृत्यांगना है, जो कि चरी नृत्य सैनी और गुर्जर समुदाय का नृत्य है, जो कि हमारे किशनगढ़ वाले क्षेत्र में किया
किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की। देखिए हमने 61 क्वेश्चन नंबर देखा, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसको मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। 62 वाला जो नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़ का जो हमारा किला है उसी के अंदर कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शहीद वीर बालिका कालीबाई का संबंध कहाँ से है? तो 63 वाले क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रास्तापाल गांव की रहने वाली वीर बालिका, जो कि अपने शिक्षक को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो यानी राजस्थान का लिंगानुपात पूछा है, 928 बी 928। अगला क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये सबको पता है, हमारे उदयपुर यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है, ये उदयपुर और राजसमंद के बीच फैला हुआ है। तो 65वें क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता, यानी सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जालौर और प्रतापगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है, गग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो हम सबको पता है हनुमानगढ़ गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला हमारा जिला कोटा है, और 68 में ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब बात करते हैं हमारे और क्वेश्चंस की। 68 के बाद के अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, मांगनियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी ये लोक कलाकार है जो कि हमारे जैसलमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये देवीलाल सांबर, इसमें सॉरी कोमल कोठारी और देवीलाल सांबर दोनों में थोड़ा डाउट लग रहा है। वैसे इसमें सही उत्तर देवीलाल सांबर के द्वारा होना चाहिए, जिन्होंने कि राजस्थान कला संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य किया था। और इसमें ए और बी दोनों में कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, फिर भी आप इसका बी क्वेश्चन सही मान सकते हैं। इस पे डाउट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो लोक देवता तेजाजी, जिनको सांप दंश हो गया था, यानी सांप ने डस लिया था, उसके बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? जैसा कि आप सबको पता, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, और मावट से रब्बी की फसल को लाभ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं गेहूं, सरसों और चना तीनों रब्बी की फसल है, और कपास ये कि हमारी खरीफ की फसल है, अभी बो रखा है, तो मावट के लिए लाभान्वित नहीं होने वाली फसल तो देखिए नहीं पूछा है, तो इसमें कपास इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चित्रित हवेलियां और बीती चित्रों के लिए हमारे राजस्थान का मंडावा कस्बा प्रसिद्ध है, जहां पर पीके फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। हमारा 73वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चित्रित हवेलियों और बीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख सादी की गुलिस्तान की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो जैसा कि आपको शेख सादी की गुलिस्तान की पांडुलिपि, ये हमारा अलवर चित्र शैली से संबंधित चित्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अलवर इसका सही उत्तर है। अब आगे हम 70 तक हमने क्वेश्चंस देख लिए, 70 क्वेश्चन से अब आगे हम 74 तक देख लिए, अब 74 से आगे के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गौरीशंकर हीरानंद ओझा के द्वारा
प्राचीन लिपिमाला पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जामर कोटड़ा की खानी क्यों प्रसिद्ध है? ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। रणखार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह याद रखिए, रणखार पुस्तक के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी हैं जो कि IAS अधिकारी हैं। अगली पुस्तक है, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? एक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, तो ये देखिए आपको पता है फड़, बनी ठनी और सांझी, इनमें चित्रकलाएं होती, पथवारी नहीं है कि रस्ते की देवी होती है, तो ये चित्रकला का उदाहरण नहीं है। 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पथवारी। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो कालीबंगा अम्लानंद के द्वारा खोज की गई थी। तो 80 क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अम्लानंद घोष। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कोटा में स्थित है। 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोटा, दर्रा अभयारण्य कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो झांझ वाद्य यंत्र है यह मुख्य रूप से हमारा कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य होता है उस दौरान झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है, झांझ मंजीरे बजाए जाते हैं। और इसमें देखिए हमारा जो बम नृत्य है, बम नृत्य में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी की तुलना में बम नृत्य वाला इसका सही उत्तर है, 82 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन के सही, सभी क्वेश्चनों के आंसर सही बताने का प्रयास है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑथेंटिक आंसर की BSTC एग्जाम लेने वाली संस्था के द्वारा जारी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हमारा जो जैसलमेर जिला है वहाँ पर अमर सागर जैन मंदिर स्थित है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो देखिए पटवारी, सरपंच, उप सरपंच ये तीनों नहीं होते, ग्राम सेवक। 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सेवक होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के बारे में पूछा गया है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सभापति कौन होते हैं? तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र जो उदयपुर केंद्र है इसके सभापति राज्यपाल होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो 5 राज्य इसका सही उत्तर है। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलती है, तो 5 राज्यों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर और भरतपुर, इन दोनों जिलों का जनघनत्व 500 से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सैयद और लोधी वंश का शासन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में देखते हैं, तो चलिए चलते हैं 89 क्वेश्चन में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? तो सामोद महल हमारा जयपुर जिले में स्थित है। अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो यह 10.41% यानी 11% के लगभग हो रहा है, तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बाड़मेर, यानी राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से मिलते हैं, सबसे छोटी सीमा है बाड़मेर की, ऑप्शन सी सही है 91 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान में आवासन मंडल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान आवासन मंडल की, देखिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 को, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी, 92 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, इसमें देखिए आप सुमेलित करना है सूची ए को बी से। अब देखिए इसमें हमारा, अब इसको जो हमारे आंसर दे रखे हैं इस आंसर को हम मिलाते हैं लेखक और पुस्तक। देखिए 93 वाला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करते हैं कर्णिदान ये की, जो कि सूरज प्रकाश ये ग्रंथ लिखा गया था, और जगजीवन भट्ट अजीतोदय, यानी हम इसको सीधा मिलाएं तो पहला ऑप्शन सही मिलता है। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था, दौलत विजय कुमार रासू, पद्मनाभ कानड़दे प्रबंधन ग्रंथ लिखा, और अजीत जगजीवन भट्ट ने लिखा अजीतोदय। 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बाद चलते हैं 94 में।
अब हमारा 94 क्वेश्चन है, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना यानी संस्थापक कौन है? तो इसके गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजा मंडल के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 30 मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य मंत्री बन सकते हैं, जो कि 30 होती है 200 सदस्यों के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है? तो दक्षिणी भाग में भील जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल की किस्म है? तो देखिए, नरमा कपास की किस्म है। 97 में सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजपूताना। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1919 में राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो इसमें आप देखिए, जसवंत सिंह, अजीत सिंह और मोटा राजा उदय सिंह तीनों जोधपुर के शासक थे। अनूप सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। 99 में सही ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला है 100वां क्वेश्चन, जीके का अंतिम क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 जैसा कि छठी विधानसभा में हमारी जो सीटें थी विधायकों की 184 से बढ़ाकर 200 हो गई थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसका वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो ये जीके के अलावा अब और वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।